आज हमारे पास नोएडा एक्सटेंशन की एक बढ़िया रेडी टू मूविंग सोसाइटी के अंदर 2 BHK स्टडी रूम अपार्टमेंट आया सेल के लिए। और हाँ, फ्लोर की बात करें तो एक फ्लोर पे बस आपको 4 अपार्टमेंट देखने को मिल जाता है और लोकेशन हमारी ऑन रोड होने वाली है, तो सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोसाइटी और उसकी लोकेशन से। तो नोएडा एक्सटेंशन की यथात हॉस्पिटल से वॉक इन डिस्टेंस पर सेक्टर 1 में आज की हमारी प्यारी सोसाइटी ट्राइडेंट एम्बेसी आ जाती है। सोसाइटी हमारी फुली रेडी टू मूव इन है। फटाफट आपको पहले एमिनिटीज दिखा देता हूँ। तो सामने सोसाइटी का बड़ा सा स्विमिंग पूल आ जाता है, यहाँ पे फुली ऑपरेशनल क्लब हाउस हो जाता है और आगे बैडमिंटन कोर्ट, किड्स प्ले एरिया और एक छोटा सा पार्क आ जाता है। और यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे सोसाइटी का बड़ा सा पार्क आ जाता है और आगे की साइड सोसाइटी का दूसरा और छोटा स्विमिंग पूल देखने को मिल जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी की एमिनिटीज हो गई। अब चलते हैं हमने टावर के पास। सोसाइटी के अंदर ये हमारे अपार्टमेंट का टावर हो जाता है। इस टावर के मिडल फ्लोर पे हमारा अपार्टमेंट आ जाता है। हमारे अपार्टमेंट के फ्लोर पे चलने से पहले टावर की लॉबी देख लेते हैं। सो दैट्स ऑल लॉबी। अब चलते हैं हमने फ्लोर पर। और हमारे अपार्टमेंट की फ्लोर प्लानिंग की बात करें तो एक लिफ्ट यहाँ पे, एक लिफ्ट यहाँ पे, दो लिफ्ट मिल जाता है। दो अपार्टमेंट उस साइड, दो अपार्टमेंट इस साइड आ जाते हैं। एक फ्लोर पे बस 4 अपार्टमेंट, दो लिफ्ट मिल जाते हैं। सो फ्लोर प्लानिंग काफी बढ़िया होती है और आज का हमारा अपार्टमेंट वो उस साइड आ जाता है। सो ये कम से वो ब्यूटीफुल 2 BHK स्टडी रूम अपार्टमेंट विच इज अवेलेबल फॉर सेल। एरिया 1129 स्क्वायर फीट हो जाता है, 1129 स्क्वायर फीट। और हमारे अपार्टमेंट के एंट्रेंस की बात करें तो आयरन गेट मिल जाता है और डबल सिक्योरिटी के लिए एक वुडन गेट मिल जाता है। और आप जैसे ही गेट को ओपन करेंगे यहाँ पे हमारा एक फॉयर एरिया आ जाता है। ऑलमोस्ट 4x8 का डायमेंशन हो जाता है। और फॉयर एरिया से जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हमारा बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है। और ब्यूटीफुल लिविंग एरिया ऑफ दिस अपार्टमेंट डायमेंशन 18x10 का हो जाता है। तो ये हमारा बड़ा सा फॉयर एरिया हो जाता है। और फॉयर एरिया से एंटर करते ही हमारा बड़ा सा लिविंग एरिया जाता है। हमारे इस बड़े से लिविंग एरिया को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। हमारे इस लिविंग एरिया में वेंटिलेशन सेलेट के लिए वहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है, हमारी फर्स्ट बालकनी। सो हमारी फर्स्ट बालकनी को उन्होंने फुली मॉडिफाई करा दिया, पूरे बालकनी के स्पेस को अंदर ले लिया है और इसके स्लाइडिंग ग्लास डोर को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। सो लेट्स चेक दिस आउट। बालकनी की भी मजे और स्पेस की भी। तो ये थी हमारे लिविंग एरिया के साथ अटैच हमारी फर्स्ट बालकनी। नाउ आगे चलते हैं अपने अपार्टमेंट के दूसरे मॉडिफाइड सेक्शन की तरफ, हमारे अपार्टमेंट का प्यारा सा किचन सेक्शन। तो ही कम्स अवे ब्यूटीफुल एल शेप स्पेशियस मॉड्यूलर किचन। ऊपर नीचे सारा काम हो रखा है। बात करें हमारे किचन के डायमेंशन की, डायमेंशन 7.5x7 का हो जाता है। तो ये हमारा प्यारा शेल शेप का किचन हो जाता है। नीचे ऊपर सारा काम हो रखा है और हमारे इस किचन में वेंटिलेशन सनलाइट के लिए अटैच यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है। और यही यूटिलिटी बालकनी हमारे अपार्टमेंट की सेकंड बालकनी भी हो जाती है। ओनर ने इस बालकनी को कम्प्लीटली मॉडिफाई करा दिया, वहाँ पर एक सिंक भी लगवा दिया और इस बालकनी के ग्लास डोर को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। व्यू आपको बिल्डिंग के साफ का मिलता है। सो ये थी हमारी यूटिलिटी बालकनी। नाउ अपने अपार्टमेंट के रूम सेक्शंस को देखते हैं। तो सामने हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट रूम आ जाता है, हमारे स्टडी रूम। रूम का डायमेंशन 7x8 का हो जाता है। तो हमारे अपार्टमेंट के स्टडी रूम के साथ वहाँ पर अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो मिल जाता है जो अपार्टमेंट के बाहर की तरफ खुलता है। सनलाइट वेंटिलेशन बढ़िया मिलेगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर सेकंड रूम। और बेसिकली से आप हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट बेडरूम भी कह सकते हैं। हमारे बेडरूम का डायमेंशन 11x11 का हो जाता है। तो दैसा वो फर्स्ट बेडरूम। रूम में हमारे वहाँ पर एक वुडन वॉटर मिल जाता है और यहाँ पर अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है। हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट वॉशरूम हो जाता है, डायमेंशन 7x5 का हो जाता है। और हाँ, यही वॉशरूम कॉमन हो जाता है हमारे अपार्टमेंट के स्टडी रूम से भी। तो ये हमारा फर्स्ट वॉशरूम भी हो गया और हमारा कॉमन वॉशरूम भी। और सामने अटैच एक बालकनी मिल जाती है। ये बालकनी हमारे अपार्टमेंट की थर्ड बालकनी हो जाती है। अगेन ये बालकनी भी हमारी 5 feet वाइड हो जाती है, स्पेशियस बालकनी। और बात करें व्यू की, सो दिस बालकनी कम विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। तो अपार्टमेंट हमारा पूल और पार्क फेसिंग हो जाता है। तो ये था हमारे अपार्टमेंट का फर्स्ट बेडरूम। अब आगे चलते हैं हमारे अपार्टमेंट के सेकंड और लास्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारे अपार्टमेंट का लास्ट और मास्टर बेडरूम भी हो जाता है। डायमेंशन 13x10 का हो जाता है।
तो ये हमारा सेकंड और मास्टर बेडरूम हो गया। नीचे की साइड आपको वुडन फ्लोरिंग मिल जाता है और वहां पर एक बड़ा सा वुडन वार्डरोब मिल जाता है और सामने अटैच हमारे अपार्टमेंट का सेकंड वॉशरूम मिल जाता है। डायमेंशन अगेन 5x7 का हो जाता है। और यहाँ पर अटैच एक बालकनी मिल जाती है। ये बालकनी हमारे अपार्टमेंट की लास्ट और फोर्थ बालकनी हो जाती है। स्पेशियस 5 feet वाइड बालकनी हमारे अपार्टमेंट की फोर्थ और लास्ट बालकनी। एंड दिस बालकनी कम विद दिस व्यू। लेट्स चेक दिस आउट। तो ये था हमारा प्यारा सा 2 BHK स्टेडियम अपार्टमेंट जो सेल के लिए अवेलेबल है। और हाँ, हमारे इस अपार्टमेंट का डिमांड काफी रिजनेबल होने वाला है, इसकी डिमांड की बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। हम नोएडा के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी डील्स आपके सामने लाते रहते हैं। और अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। हम एडवर्टीजमेंट का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे इस प्रीमियम 2+1 अपार्टमेंट की डिमांड की। डिमांड फॉर दिस अपार्टमेंट इज जस्ट 75 lakh rupees, मतलब बस 75 lakh rupees। एक फ्लोर पे बस आपको 4 अपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। सो अगर इंटरेस्टेड है आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेरा नाम और है, मिलते हैं लोकेशन पे या फिर नए डील के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।